हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डेली ब्लॉग्स विद सिस्टिमा। तो गाइस, ये मॉर्निंग का टाइम है, सुबह के बज रहे हैं 7। और यहाँ पे जो मेरी काम वाली है वो पोछा लगा रही थी और शिवाय सो रहे हैं। ये ट्यूसडे का व्लॉग है, ये अगले दिन आपको मिलेगा। तो यही जो है सो रहा था शिवाय, अभी नहीं उठा था कि उसको वेडनेसडे से उसको स्कूल जाना था, तो एक दिन और सुबह में सो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, मॉर्निंग में तो बारिश नहीं हो रही थी, बट मौसम बहुत ठंडा ठंडा था क्योंकि रात में बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी। और ये गाइस, यहाँ पे मेरे फूल टंगे हुए हैं, पूजा वाले फूल आ चुके हैं। सुबह में कभी 7 बजे आते, कभी लेट आता है। और यहाँ पे देखिए, मेरे पौधे हैं, मिर्ची के पौधे में कितने छोटे छोटे मिर्ची निकल गए हैं। और हाँ, यहाँ पे ये देखिए, मेरे हस्बैंड ने लहसुन लगा रखा है। तो बस वही है सुबह का मौसम, जल उठो सुबह सुबह तो सुबह मॉर्निंग देखने को मिलती है, अदरवाइज तो सब मिस हो जाता है। उसके बाद गाइज, ये है दोपहर का, बीच का मैंने नहीं लिया था। और फिर ये देखिए, शिवाय बस खेलता रहता है इस रूम ही में, जब से मतलब इसको इस रूम में अच्छा लगता है। पहले तो इस रूम में नहीं आता था ज़्यादा, यहाँ पे बस ऐसे ही सामान रख रखा है, कोई सोता नहीं है। बट आजकल शिवाय बोलता है इसी में सोएंगे, तो मैं और शिवाय इसी में सोते हैं, अंदर बेडरूम में नहीं सोता है। तो बस ये देखिए, यहाँ पे खेल रहा है और मैं जा रही हूँ, अब खाना वाना बनाऊँगी। आफ्टरनून हो चुका है, मतलब 12:30 बज चुके हैं। और यहाँ पे देखिए, मेरे हस्बैंड लेटे हुए अंदर टीवी देख रहे हैं और शिवाय दूसरे रूम में खेल रहा है। उसको आजकल पता नहीं क्या हो गया, उसी रूम में अच्छा लगता है। तो अब मैं आ गई हूँ अपने किचन में और मैंने दाल थोड़ा पानी डाल के रख दिया था कि फूल जाएगी तो जल्दी कुक हो जाती है। तो बस वही मैं बनाने जा रही हूँ, दाल सब्ज़ी रोटी चावल सब कुछ बनेगा। तो यहाँ पे मैं दाल वाल बना रही हूँ और सब्ज़ी बना लूँगी आराम से। अभी 12:30 बज रहा है और 1:30 बजे तक, 1:30-1:45 तक खाना हो जाता है, रेडी हो जाता है तो खा लेंगे। और आज है मेरे हस्बैंड छुट्टी पे, तो जल्दी भी नहीं थी। ऐसे तो जिस टाइम जाना होता है तो उनका लंच मना ही देती हूँ, सुबह में जाना होता है सुबह में, आफ्टरनून में तो आफ्टरनून में। तो अभी छुट्टी पे हैं, छुट्टी पे नहीं है आज, कोई छुट्टी है, 12 वफ़ात है क्या, मतलब कोई फेस्टिवल है मुस्लिम का, तो बस उसीलिए छुट्टी है। और कल भी मेरे हस्बैंड छुट्टी पे रहेंगे तो 2 दिन का रेस्ट है। तो थोड़ा सा जब छुट्टी होती है तो हम लोग आराम आराम से सारे काम होते हैं। और पर वेडनेसडे से शिवाय का स्कूल तो खुल चुका है, बट वैन अभी नहीं स्टार्ट हुई थी आनी, बट वेडनेसडे से कल से आएगी। तो शिवाय भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है स्कूल जाने के लिए, काफ़ी टाइम हो गया है तो स्कूल नहीं गए हैं, तो अब कि कल से जाना है तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे गाइस, मैं बैंगन की सब्ज़ी बना रही थी, बैंगन बहुत कम ही खाते हैं, बट मेरे हस्बैंड ले आए थे तो फिर मैं बना रही थी। पहले मैंने सारे निकाले थे, फिर मैंने 2 ही कट करके डाले थे सब्ज़ी में। तो बस यहाँ पे मैं अपना खाना बना रही थी और उसके बाद मैंने रोटी और चावल भी बना लिए थे। देखिए गाइस, हम लोग मैंने किचन क्लीन कर लिया था खाना वाना बना के, उसके बाद फिर हम लोगों ने खाना भी खा लिया था। वो मैंने शेयर नहीं किया था, क्या मैं आपके साथ रोज़ खाना खाने और इसका शेयर करूं। तो बस खाना वाना खा लिया था हम लोगों ने, फिर हम लोग यहाँ पे बैठे थे थोड़ी देर, ऐसे ही बात बात कर रहे थे। शिवाय खा रहा है खीर जो मैंने एक दिन पहले बनाई थी, मतलब मंडे को बनाई थी, ट्यूसडे को खा रहा है, थोड़ी सी बची थी, एकदम थोड़ी सी बनाई थी, शिवाय बोल रहा था मुझे खानी है तो ट्यूसडे को खा रहा है। और आज फिर मैं रात में खीर बनाऊंगी क्योंकि आज है शरद पूर्णिमा, तो रात में बनती है, रात में बनती है, फिर आसमान के नीचे रखी जाती है, कुछ मतलब होता है, तो जो लोग करते होंगे उन्हें पता होगा। तो बस यहाँ पे हम लोग बैठ के बातें बातें कर रहे थे थोड़ी देर, उसके बाद अभी 2:45 बज रहा था, फिर थोड़ा सा हम लोग बैठे थे ऐसे ही बात कर रहे थे, फिर
हम लोग सोए थे थोड़ी देर। जब सुबह में उठो तो अपने आप, जब लेटो दिन में तो नींद आ ही जाती है ऑटोमेटिकली, सोचते नहीं सोएंगे बट आ जाती है। तो बस 1-1.5 घंटे के लिए हम लोगों ने फिर रेस्ट किया था। 3:30 बजे करीब हम लोग लेट गए थे जाके। तो जब हम लोग सो जाते हैं तो शिवाय भी सो जाता है। तो बस यहाँ पे शिवाय की खीर ख़त्म नहीं होती, 1 घंटे तक ऐसे ही चलती रहेगी। मैं बार बार बोल रही थी कि जल्दी जल्दी खाओ, बैठ के सोचता रहता है उसको। थोड़ी सी आधी कटोरी खीर थी, वो भी ख़त्म नहीं कर पा रहा था बस। और मौसम आज सही था, मतलब धूप नहीं निकली थी, रात में बारिश हुई थी तो धूप नहीं निकली थी, तो मौसम अब ठंडा हो रहा है। मुझे तो लगता है ऐसे ही होते होते ठंडी आ जाएगी। और सुबह के टाइम हम लोग जग जाते हैं आजकल जल्दी, तो बहुत अच्छा लगता है। जब नहीं उठते तो मिस हो जाता है, तो सुबह में उठना चाहिए सबको भी। थोड़ा सा टहलना वहलना चाहिए, अच्छा लगता है। जब हम लोग नहीं उठते तो लगता है कि नहीं हम लोग कुछ मिस करते थे, बट अभी सही है। और यहाँ पे देखिए शिवाय की क्या बदमाशी हो रही है, अभी भी इसकी खीर नहीं ख़त्म हुई है, थोड़ी सी बची है तो पापा इसको खिला रहे हैं, ऐसे तो ख़त्म ही नहीं कर पाएगा। मैं बोल रही थी कि चलो खा लो फिर थोड़ा सा रेस्ट कर लो। और गाइज ये है इवनिंग का टाइम, इवनिंग के 7 बज रहे थे, तो हम लोगों ने कहा कि चलो थोड़ा सा टहल के आते हैं बाहर से। घर में बैठे बैठे पूरा दिन, तो हमने कहा कि थोड़ा सा बाहर से घूम के आ जाते हैं और वॉक भी हो जाएगा। और शिवाय को था कि गोलगप्पे खाने हैं, तो यहाँ पे देखिए शिवाय गोलगप्पे खा रहे हैं, मीठे वाले, चटनी और दही वाले, क्योंकि पहले शिवाय नहीं खाता था, बाहर का कुछ नहीं खाता था। अब थोड़ा बड़ा हो रहा है, शिवाय 5 साल का हो गया है, अब उसका टेस्ट चेंज हो रहा है, तो अब थोड़ा बहुत बाहर का भी खाने लगा है, हल्का फुल्का तीखा भी खा लेता है। तो बस ऐसे ही बच्चों का चलता रहता है। तो हम लोगों को उम्मीद नहीं थी कि शिवाय खा लेगा, बट शिवाय ने खा लिया था। अब यहाँ पे देखे गाइस हम लोग वापस जा रहे हैं टहल के, मतलब टहलते टहलते आ गए थे काफ़ी दूर, फिर हम लोग वापस आए हैं घर। तो ये देखिए मैं बोल रही थी ना मैं रात को खीर बनाऊंगी, तो मैं यहाँ पे मेरा खाना बन गया था, उसके बाद मैं खीर बना रही थी। ज़्यादा कुछ बनाना नहीं था खाना, तो बस उसके बाद खीर बना के मैं इसको रख दूंगी आसमान के नीचे, बाहर चेयर पे ऐसे करके ढक के जाली से। तो कुछ होता है ना कि शरद पूर्णिमा के दिन खीर रखते हैं तो अमृत गिरता है, तो बस वही होता है। तो हम लोग भी रखते हैं हमेशा, हर साल रखते हैं, तो उस बार भी। तो ये देखिए गाइस खाना वाना सबका हो गया था रात में, यहाँ पे शिवाय का खेलना अभी भी जारी है। और मैं बोल रही थी कि अब मत खेलो, अब रख दो थोड़ा सा, कल सुबह में जल्दी उठना है, स्कूल जाना है। तो बोला था नहीं मम्मा थोड़ी देर और खेलूँगा। तो यहाँ पे बस ऐसे ही, और टीवी भी चल रही है, इसका कार्टून भी चल रहा है। और ये देखिए मेरे हस्बैंड जो है बैठे हुए हैं आगे वाले रूम में, इनको यहीं पे ही बैठे मिलते हैं। और ये देखिए मेरा व्लॉग देख रहे हैं, मैं बोल रही थी क्या देख रहे हैं, तो दिखा रहे हैं मेरे को कि देखो मैं क्या देख रहा हूँ। तो बस फिर मैं आ गई थी अपना सीरियल देखने, 10 बज गए थे। तो यहाँ पे देखिए मेरा सीरियल चल रहा है, और सीरियल तो कोई देखता नहीं आके, तो सब अपने अपने अलग अलग रूम में बैठे हुए हैं, और मैं अंदर रूम में आ गई हूँ टीवी वाले में। मैं एक सीरियल देखूंगी आधे घंटे, उसके बाद फिर मैं आ जाऊंगी लेटने के लिए। हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग? आज आज कौन सा दिन है? आज है 19 है आज डेट, और दिन है आज ट्यूसडे। तो गाइस अभी बस रात के 10:30 बज रहे हैं, मैंने अभी बस जो मैं 10 बजे सीरियल देखती हूँ वो मैंने अभी देख लिया है और वो ख़त्म हो गया है। तो बस मैंने कहा कि चलिए अपना वीडियो भी एंड कर दिया जाए, और बस अभी मैं बैठी हूँ टीवी वगैरह देख रहा हूँ, टीवी चल रही है। और शिवाय और उसके पापा हैं आगे बाहर वाले रूम में, तो बस मैं यहाँ पे अकेले बैठ के टीवी देख रही थी, क्योंकि सीरियल तो कोई देखता नहीं है मेरे साथ, सब बोर होते हैं। तो बस अभी मैंने देख लिया है, और अब थोड़ी देर हम लोग बातें बातें करेंगे, फिर लेटेंगे, क्योंकि सुबह आजकल जल्दी उठ जाते हैं, 5 बजे हम लोग उठ जाते हैं, तो नींद भी आ जाती है। नींद मतलब जल्दी नहीं, थोड़ी देर लेटते हैं, मोबाइल वगैरह देखेंगे, एडिटिंग करेंगे, कुछ करेंगे, उसके बाद फिर सो जाएंगे। तो गाइज चलिए अब मैं अपना वीडियो यहीं पे एंड कर देती हूँ, और अब मिलूँगी आपसे मैं नेक्स्ट व्लॉग में। और मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, और अगर मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़
लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करते रहिए सबके साथ, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ। और तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।